जय श्री राम। जिस दिन का भद्रवाह के लोगों को था इंतज़ार, आखिर वो दिन आ ही गया। बर्फ़ की चादर से ढके हुए पहाड़, वाह क्या नज़ारा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा बर्फ़ का थोड़ा व्यू दिखाएं। लोग अपने कारोबार छोड़कर बर्फ़ का आइए कुछ लोगों से मिलते हैं जो कि टूरिस्ट भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आप कहां से आए हो और ये भद्रवाह के नज़ारे आपको बार बार नहीं मिलेंगे। देखिए तो जी नमस्कार, मेरा नाम रजत कोतवाल है। मैं आपके चैनल से यहां पे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे कि हम शाम को तो सोए थे, बहुत ही फर्स्ट क्लास मौसम था, तो हम जैसे ही सुबह उठे तो हमें यकीन नहीं हुआ कि यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला। फिलहाल तो बोल रहे थे कि यहाँ पे ना बारिश हो रही है ना कोई कुछ, तो अचानक से ये जो बर्फबारी का मौसम है तो बहुत ही अच्छा लगा हमें ये देख के। तो काफ़ी कुछ लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, देख सकते हैं अभी एक गाड़ी भी आ रही है, तो गाड़ी के ऊपर देख सकते हैं आप कितना बर्फ यहाँ पे अभी रात में चलता हुआ ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कितना सा मौसम कितना ठंडा और नज़ारे वाला हो चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ी जो नीचे से जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ की जगह से बिलोंग करते हैं? हम सर सरन से बिलोंग करते हैं और ये रोड कनेक्टिविटी वाला एरिया है। तो ये सरन कहाँ हुआ? ये सरन भाला तहसील के अंदर आता है। अच्छा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड और लाइट जो कनेक्टिविटी वो चली गई है। तो अगर किसी भी लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, खासकर मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें और उनके टोल फ्री नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुहार लगाते हैं कि कम से कम बिजली और गाड़ियों का खास ध्यान रखें क्योंकि पहाड़ी एरिया है, चल रहा है। तो अभी तो बर्फ रुकी हुई है, तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे उस्ताद साहब है, ये हमारे सरन के। यहाँ से भद्रवाह आपको मतलब कितना फासला है भद्रवाह जाने के लिए, कितना टाइम लगता है यहाँ से भद्रवाह? कुछ बोलो भद्रवाह के बारे में। चलो ठीक है सर, यहाँ से अगर हमने भद्रवाह जाना है तो हमें यहाँ से कोई 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, और जो काफ़ी एक किस्म से देखा जाए तो नज़दीक भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और वहाँ पर हमारा जो मेन हॉस्पिटल है वहीं पर है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत का इस टाइम पर दिक्कत भी आ सकती है, खासकर मेडिकल इमरजेंसी, लाइट वगैरह आदि जो भी है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को अचानक से ये जो बर्फबारी हुई है, आधे लोगों के घरों में राशन भी नहीं है। तो गवर्नमेंट से जितनी अपील है कि उनको फास्ट से फास्ट सुविधा दी जाए। और आज हम एक तरफ से हम खुशी भी जाहिर कर सकते हैं कि काफ़ी दिनों बाद जो हमें ऐसा मौसम देखने को मिला कि बोलते हैं ना, वो एक इंस्टाग्राम की एक रील है हमारा, क्या था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है उस रील को देख के। और सेम वैसी वाइब्स अभी हमें आ रही हैं अपने भद्रवाह एरिया में, जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर। बहुत ही खुश नसीब अभी हम लोग हैं कि हमें ऐसा मौका देखने को मिला बर्फ का। और हमारे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पहाड़, कितने रंगीन पहाड़ अभी बन चुके हैं, काफ़ी स्नो इनमें आ गई है। तो ये हमारी जो मेन नेशनल हाईवे है वो नीचे से जा रही है, तो हम अभी बहुत ही खुश हैं। और हम इस आज के जो दिन बर्फबारी पड़ी है इसका हम इतना लुत्फ़ उठाएंगे, कोई कहने की बात नहीं। अभी गांव के लोग आएंगे, लड़कियां आएंगी, लड़के आएंगे हमारे गांव के, तो वो काफ़ी इस बर्फ के साथ एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, छोटे छोटे गोले बना के एक दूसरे को फेंकेंगे। तो मैं अपने आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें मौका दिया बोलने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आपका। जी सर, ठीक है ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना आज का विराम करते हैं, तो मिलेंगे कल फिर। जय जय भारत न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तो कैमरामैन नितिश के साथ।